हेलो नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन माय ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ क्रैक ग्रेड बी। फ्रेंड्स, वी हैव स्टार्टेड अ लेक्चर सीरीज फॉर कवरिंग अ टॉपिक फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। एंड इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैव डन अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द पेपर ऑफ ईपीएफओ 2017। एंड इन दिस पेपर वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेक्शन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पेपर we have designed our courses and material. So friend, अगर आपको ये material check करना है तो इस video के नीचे एक link दिया गया है, आप उस link पर जाके click करके उस sample को download कर सकते हैं और देख सकते हैं. So friends, in this lecture we will cover the object of the industrial relation, evolution of the industrial relation and what are the parties to this industrial relation. देखिए फ्रेंड, जब भी हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जो नाम लेते हैं वो है मिस्टर किर्कालडी। 1947 में इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, इंडस्ट्रियल रिलेशन इन अ कंट्री आर इंटीमेटली कनेक्टेड विद द फॉर्म ऑफ इट्स पॉलिटिकल गवर्नमेंट एंड द ऑब्जेक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन मे वेरी फ्रॉम प्योरली इकोनॉमिक टू प्योरली पॉलिटिकल एंड। देखिए फ्रेंड्स, ये जो दो वर्ड दिए हैं इन्होंने, प्योरली इकोनॉमिक एंड प्योरली पॉलिटिकल, ये जितनी भी आप इंडस्ट्रियल रिलेशंस से जुड़ी हुई चीजें पढ़ेंगे उनमें ये वर्ड आपको इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड हमेशा सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि अगर एक लेमन की तरह भी अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में एक एम्प्लॉयर, एक वर्कर और गवर्नमेंट के आपस में रिलेशन होते हैं। अगर इन तीनों चीजों को आपस में रिलेट करेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशन होंगे वो या तो इकोनॉमिकली बेस्ड होंगे या वो पॉलिटिकल बेस्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर का रिलेशन है तो इकोनॉमिक होगा, अगर आपका एम्प्लॉय से गवर्नमेंट का रिलेशन है तो इट मे बी इकोनॉमिक, इट मे बी पॉलिटिकल। अगर आपका एम्प्लॉयर का रिलेशन गवर्नमेंट से है तो वो काफी हद तक पॉलिटिकल रिलेशन होगा। तो इस बारे में आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वर्ड्स का क्या मतलब है फॉर दिस स्पेशल टॉपिक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब देखते हैं, किर्कालडी ने अपने चार ऑब्जेक्ट दिए थे जिस पर आपका पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशन बेस्ड है। The first one is improvement of economic condition of worker. The second one is state control for regulation, production and harmonious relation. The third one is socialization, rationalization of industry. The fourth one is vesting of proprietary interest of worker in the industry which worker is working. The first one is economic conditions. ये आपको clear हो गया होगा। क्यों? इसका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? इकोनॉमिक कंडीशंस अगर आप वर्कर की इंप्रूव नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कैसे मिलेगा, आउटपुट कैसे मिलेगा। तथा सेकंड वन इज, अगर आपको अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो आपको उसे रेगुलेट करना पड़ेगा और जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं या जो भी उसकी पार्टीज हैं उनके बीच में रिलेशन आपका हार्मोनियस होना चाहिए। अच्छा, एक फोर्थ और है इसमें, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल के आ रहा है, वो आपने समझा होगा कि वेस्टिंग ऑफ प्रोप्रिएटरी इंटरेस्ट ऑफ वर्कर इन द इंडस्ट्री। प्रोप्रिएटरी इंटरेस्ट मतलब अगर वर्कर उसको अपना मान के काम कर रहा है तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा और इंडस्ट्रियल रिलेशंस यानी कि जो रिलेशंस आपस में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके रिलेशंस भी हार्मोनियस होंगे। तो किर्कालडी की जो ऑब्जेक्ट और डेफिनेशन थी उससे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको फ्रेंड्स। अब देखते हैं अगला। देखिए फ्रेंड्स, इवोल्यूशन को पांच फेज में हम लोग जाके स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज प्री 1918 1925 1935 1938 1939 1947। देखिए जो फेज में इसको डिवाइड किया गया है ये केवल स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए किया गया, अदरवाइज इसका कोई बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं है इसको इन पांच फेज में डिवाइड करने का। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि इवोल्यूशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। देखिए, पिछले साल के पेपर में इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया था और मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी
फिर भी अगर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझना है तो उसके इवोल्यूशन को समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो लेक्चर में मैंने थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इसमें बताया है फॉर द इवोल्यूशन ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रिलेशन। सो फर्स्ट वन इज वी विल टॉक अबाउट दिस 1860 फेज। देखिए इस फेज में क्या हुआ था, ये सबसे पहले साइन जो था वो 1860 में मिला था, किसका, लेबर एग्रीटेशंस का। और ये किसने दिया था, मिस्टर दीन बंधु मित्रा, और ये एक ड्रामेटिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर थे बंगाल से। इस 1860 में ही इंडिगो कमीशन का भी अपॉइंटमेंट हुआ था। अब आते हैं 1875 में, 1875 में द फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1875, और उसी का रिजल्ट जो था वो था आपका फैक्ट्रीज एक्ट 1881। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत याद रखना है कि कौन सा कमीशन कब आया और कौन सा एक्ट उससे आके निकल के आया। अब देखते हैं 1884 के बारे में। देखिए इन 1884 मिस्टर एन एम लोखंडे, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी कहां पर, बॉम्बे में, जिसमें करीब करीब 5,300 वर्कर्स थे। तो उन्होंने अपना एक साइन मेमोरेंडम जो है वो रखा था, जिसकी कंडीशन थी कंप्लीट डे ऑफ रेस्ट ऑन संडे, हाफ एन आवर रिसेस, वर्किंग आवर्स बिटवीन 6:30 AM टू सनसेट, एंड द पेमेंट ऑफ वेजेस नॉट लेटर देन 15th ऑफ द मंथ, एंड द कंपनसेशन फॉर द इंजरीज। अब इन 1889, इन बॉम्बे वर्कर्स ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स डिमांडेड संडे एज अ हॉलीडे। इन 1890, देखिए जो 1884 में मिस्टर एन एम लोखंडे ने अपनी कुछ कंडीशंस रखी थी, तो उसी पिटिशन को उन्होंने रिट्रेट किया और साइन किया 17,000 वर्कर्स के द्वारा। इन द सेम ईयर द बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, द फर्स्ट लेबर एसोसिएशन, वॉज ऑर्गेनाइज एज मिस्टर लोखंडे एज इट्स प्रेसिडेंट। अगला देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उसके बीच में कई सारे फेज हुए थे, तो उस फेज को मैंने फिर से दो चीज में डिवाइड किया है। लेबर एसोसिएशन वर फॉर्म्ड आफ्टर 1890, जिसमें कई सारी लेबर एसोसिएशन फॉर्म हुई थी। एक थी आपकी द एमालगेमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट इन इंडिया एंड बर्मा इन 1897, द प्रिंटर्स यूनियन ऑफ कैलकटा इन 1905, द बॉम्बे पोस्टल यूनियन इन 1907, एंड द कामगार हितार्थक सभा एंड सर्विस लीग इन 1910। 1890 के बाद के पीरियड का जो टाइम था वो बहुत ज्यादा अनरेस्ट का था, उसमें मतलब ज्यादातर स्ट्राइक्स और ये सब हुई थी, तो मैंने सारी स्ट्राइक को एक जगह रखा है। एक स्ट्राइक हुई थी, स्ट्राइक एट मिल ऑपरेटिव ऑफ अहमदाबाद, स्ट्राइक इन जूट इंडस्ट्री इन कलकत्ता, स्ट्राइक एट प्लेग एपिडेमिक ऑफ द मिल वर्कर इन बॉम्बे, एंड इन 1905 द वर्कर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस कलकत्ता। देखिए फ्रेंड्स, बिटवीन 1860 टू 1917, उसके कुछ फीचर्स थे, तो उन फीचर्स को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए द मूवमेंट वॉज लेड बाय द फिलेंथ्रोपिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर, एंड देयर वॉज नो ट्रेड यूनियन इन द मॉडर्न सेंस। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑन द वर्किंग द फैक्ट्रीज एक्ट एट बॉम्बे इन 1892, द बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन वॉज नॉट बी क्लासिफाइड एज अ जेन्युइन ट्रेड यूनियन। ये इसने एग्जाम्पल दिया है कि ये जो फेस था वो फिलेंथ्रोपिस्ट और सोशल रिफॉर्मर से ज्यादा मतलब अफेक्टेड था, और कोई ट्रेड यूनियन नहीं थी। इसने एग्जाम्पल दिया कि उसको उन्होंने माना नहीं था मिल एसोसिएशन को। द एसोसिएशन मेनली रिलाइड ऑन पेटिशन, मेमोरेंडा एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन फॉर प्लेसिंग देयर डिमांड्स। देखिए ये जो पीरियड है ये करीब करीब 1905 के बाद का है, तो मतलब 1890 से लेके और 1917 के बीच का है, तो वो फेज जो था वो मॉडरेट फेज था। तो उस समय ज्यादातर जो लीडर्स थे जो इन मूवमेंट्स को लेट करते थे वो कानूनी लड़ाई लड़ते थे सिंपल फॉर्म में, यानी कि जो एसोसिएशन ये बता रहा है कि पिटीशन, मेमोरेंडा एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, तो कानूनी लड़ाई लड़ने में ज्यादा विश्वास रखते थे उस टाइम पर। उसके बाद द अर्ली मूवमेंट वॉज कन्फाइंड टू द रिवॉल्ट अगेंस्ट द कंडीशन ऑफ चाइल्ड लेबर एंड वुमेन वर्कर। देखिए जितने भी ये जो लड़ाइयां लोगों ने उस टाइम में लड़ी थी इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, उनका जो मेन फोकस था वो था चाइल्ड लेबर पर और वुमेन वर्कर्स, क्योंकि उस समय उनकी कंडीशन खराब थी। कम उम्र में ही चाइल्ड बच्चों को जो है काम पर लगा दिया जाता था, वुमेन वर्कर्स की भी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं थी। तो ये सारे के सारे फीचर्स थे इस फेज के।
Another feature of this period was the absence of strike. उस समय strike बहुत कम होती थी. Strike during this period was considered to be the problem of law and order. देखिए उस time क्या था कि British government थी, British government की जो policy थी वो बहुत oppressive type की थी. तो strike को उस समय ज़्यादा ये लोग मतलब use नहीं करते थे. अब देखते हैं अगला. In between the period 1918 to 1924. देखिए ये जो period था, ये पीरियड को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न ट्रेड यूनियनिज्म. क्यों? दिस पीरियड विटनेस द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस. द इंपॉर्टेंट वंस आर मद्रास लेबर यूनियन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, इंडियन सीमेन यूनियन, कलकत्ता क्लर्क्स यूनियन एंड ऑल इंडिया पोस्टल एंड आरएमएस एसोसिएशन. इसका एक सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इस टाइम में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है फॉर्म हुई थी इन 1920 में. ये एक सबसे बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ट्रेड यूनियन. अब देखते हैं उसी टाइम में आपका लेबर पार्टी भी यूके में फॉर्म हुई थी. इसके बाद देखते हैं वन ऑफ द फीचर ऑफ दिस पीरियड वॉज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस. ये मैं आपको बता चुका हूं. अब इसके रीजन क्या थे, ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो फॉर्म हुई थी उसके क्या क्या रीजन थे. उसके पहला रीजन था इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ वर्कर एट दैट टाइम, द पॉलिटिकल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द कंट्री. क्या पॉलिटिकल कंडीशंस थी उसको भी देखते हुए आपकी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है फॉर्म हुई थी. द वर्कर्स रिवॉल्यूशन इन रशिया विच एस्टेब्लिश द फर्स्ट वर्कर स्टेट इन द वर्ल्ड. इससे भी प्रभावित होकर, इससे भी इंस्पायर्ड होकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आपकी फॉर्म हुई थी. वर्ल्ड वाइड अनरेस्ट इन द पोस्ट वार पीरियड, सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ वर्ल्ड में अनरेस्ट था तो उससे भी इंस्पायर होकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म हुई थी. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका ILO. इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन 1990 ऑफ विच इंडिया वॉज द फाउंडर मेंबर. ओके, इंडिया जो है फाउंडर मेंबर है ILO का, याद रखना है आपको ये बात. एंड ILO रिक्वायर्ड वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ मेंबर स्टेट, यानी कि इंडिया से. सो द गवर्नमेंट विदाउट कंसल्टिंग द यूनियंस अपॉइंटेड श्री NM जोशी एज इट रिप्रेजेंटेटिव. दिस गेव द एंजाइटी टू द वर्कर्स टू ऑर्गेनाइज एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्शन कि NM जोशी जी को वहां भेज दिया. AITUC was formed in 1920 and this gave an opportunity to send member for ILO conference and also brought a change in the government attitude to deal with labor problems. Okay friends, अब आगे देखते हैं. अब आता है 1925 से 1934 का period. यहाँ के कुछ important points हैं, आपको बस समझना है इनको. यहाँ पे क्या हुआ था, जो 1920 में आपकी AITCU जो form हुई थी वो स्प्लिट हो गई थी किसमें, लेफ्टिस्ट में और राइटिस्ट में. इन लेटर 1929 अ विंग ऑफ AITUC द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन वाज फॉर्म, यानी कि AITUC से एक ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन अलग निकल गई थी. इसके बाद इस पीरियड का एक दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फीचर है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट एंड ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929. अब देखिए दोस्तों इन दोनों एक्ट्स की क्या क्या खासियत थी. द फॉर्मर एक्ट यानी कि ट्रेड यूनियंस एक्ट के क्या फीचर थे. दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड अफोर्ड लीगल प्रोटेक्शन टू द इंटरवेंशन इन ट्रेड डिस्प्यूट. एंड द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के क्या फीचर थे. द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट प्रोवाइड फॉर द एडहॉक कॉन्सिलेशन बाउंड एंड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फॉर द सेटलमेंट ऑफ द ट्रेड डिस्प्यूट. इसका इस 1925 और 1934 पीरियड में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो था फॉर्मेशन ऑफ रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन ऑन लेबर इन 1929 एंड 30. इन 1929 एंड 31 उसकी अपनी क्या रिकमेंडेशन थी. देखिए विच यानी कि दिस रॉयल कमीशन which made a comprehensive study of the Indian state, Indian labor, study of Indian labor problem regarding health, safety and welfare and made recommendation on for
फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ दिस वर्कर। देखते हैं अगला पीरियड दोस्तों, ये है पीरियड आपका 1935 से लेके 1938 के बीच। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को देख लेते हैं। इस पीरियड में यूनिटी वॉज फोर्स इन ट्रेड यूनियंस एंड दिस लेड टू द रिवाइवल ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्टिविटी, जो बीच में ठप पड़ गई थी इससे पहले। इन 1935 ऑल इंडिया रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस मर्ज्ड इटसेल्फ विद AITVC। देखिए इसके आपके फॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा, बट आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए कि ये कोई ये ट्रेड यूनियन थी जो AITVC से मर्ज हो गई थी। जो देखते अब इन 1938 एन एग्रीमेंट वॉज अराइव एट बिटवीन ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, जो इससे अलग हुई थी AITVC से, अभी बताया था मैंने आपको, एंड कंसिक्वेंटली NTUC affiliated itself with AITVC। तो ये देखिए पीरियड जो है ना, ये सारी की सारी ट्रेड यूनियन को आपस में जोड़ने और तोड़ने का रहा है। तो आपको लगता है याद करना है तो याद करना, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। द बॉम्बे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1938, द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट वर कंपल्सरी रिकॉग्निशन ऑफ यूनियन, गिविंग द राइट टू वर्कर्स, सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, द सेटिंग अप ऑफ एन इंडस्ट्रियल कोड। इस पीरियड को दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छे से याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ट्रैक पर चलने के लिए आप थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हैं इसको। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। देखिए ये पीरियड आपका बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था, ये पीरियड है आपका 1939 से लेके 1947 के। इसमें कुछ इवेंट्स हुए थे। सबसे पहला जो इवेंट था वो था आपका सेकेंड वर्ल्ड वार एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। The Second World War gave a new spurt in the field of industrial relation. The exigency of the war made at it essential for the government to maintain the uninterrupted flow of goods and services and for the successful operation of the war. देखिए क्या है इसका concept समझिए। Second World War हुआ, industrial relation important क्यों था? सेकेंड वर्ल्ड वार में जितने भी मटेरियल की सप्लाई होती थी वो इंडस्ट्रीज से होती थी। अगर इंडस्ट्रीज में स्ट्राइक होती रहेंगी, ट्रेड यूनियन बनेंगी, हार्मोनियस रिलेशंस नहीं होगा, तो क्या होगा? सेकेंड वर्ल्ड वार अफेक्ट पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के दिमाग में यहाँ से कुछ आया कि अगर हमको वार में विदाउट इंटरप्शन मटेरियल की सप्लाई रखनी है तो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, अब देखते हैं स्टेट्यूटरी रेगुलेशन थ्रू डिफेंस इन इंडिया रूल 81A। देखिए इसका भी जो लिंक है वो सेकेंड वर्ल्ड वार से ही है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तब गवर्नमेंट थोड़ी जागी कि भाई मुझे तो प्रोडक्शन दिलवाना है, और प्रोडक्शन दिलवाने के लिए मेरे इंडस्ट्रियल रिलेशन के जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा, और जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में हार्मोनियस रिलेशन को जनरेट करना पड़े। अब देखिए फ्रेंड, इसमें एक रूल की बात हो रही है, रूल 81A। ये रूल क्या था? देखिए आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड, रूल 81A विच रेगुलेट इंडस्ट्रियल रिलेशन ड्यूरिंग वार वॉज केप्ट अलाइड फॉर 6 मंथ बाय एन ऑर्डिनेंस। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए सबसे पहले तो मैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि व्हाट वॉज द रूल 81 एट द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वार सेकेंड इन इंडिया, और इसका क्या रिलेशन था डिफेंस से। देखिए 80 रूल 81 का कुछ पॉइंट्स जो है, जब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को इनेक्ट किया था तब इसमें उन्होंने इसके कुछ पॉइंट्स को रखा था। तो रूल 81 जो रिलेटेड था वो डिफेंस रूल से रिलेटेड था, और उसमें कुछ ऐसे प्रोविजन थे जिससे कि एट द टाइम ऑफ द वार आपका प्रोडक्शन ना रुके, और वो जितने भी रूल या प्रोविजन थे वो बाइंडिंग थे। तो आप ये एक बार मुझे ढूंढ के, इट्स नॉट अ वेरी टफ टास्क कि इसको आप ढूंढ ना पाए, बट आप कहीं से भी लेके मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब देखते हैं ये इवोल्यूशन ऑफ ट्राइपार्टाइट सिस्टम ये क्या था। देखिए मीनवाइल द ट्राइपार्टाइट डेलिब्रेशन ड्यूरिंग 1942-46 ऑन द रिविजन ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 हैड द यूनियन गवर्नमेंट इन एनेक्टिंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 विच लेड डाउन अ कंप्रिहेंसिव
डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी एप्लीकेबल टू द ऑल द स्टेट। देखिए ये जो ट्राइपार्टाइट सिस्टम जो है इसका इवोल्यूशन जो हुआ था ना, ये इवोल्यूशन हुआ था आपका रॉयल कमीशन के टाइम पर, और आईएलओ का जब फॉर्मेशन हुआ था तो आईएलओ के बारे में जब हम पढ़ेंगे अगले अपने आने वाले कुछ लेक्चर्स में, जब हम पढ़ेंगे आईएलओ के बारे में तब भी आपको ट्राइपार्टाइट सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये जो फर्स्ट ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी इन न्यू दिल्ली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसका पर्पज क्या था? इट वॉज द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन एंड वॉज टेकन ओनली इन द ईयर 1942। दैट इज द कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट न्यू दिल्ली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस की थी वो कॉन्फ्रेंस आपकी दो पार्ट में डिवाइड थी। पहली जो थी वो थी आपकी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, दूसरी थी वो थी आपकी स्टैंडिंग लेबर कॉन्फ्रेंस। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये था आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब यहां से हम शुरू करेंगे इसके बाद से कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं, ये सारी की सारी चीजें हम अपने अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं दोस्तों। देखिए, व्हाट आर द पार्टीज टू दिस इंडस्ट्रियल रिलेशन? देयर आर थ्री स्टेक होल्डर्स, वन इज एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट। देखिए, जब मैंने आपको किरकाल्डी के बारे में बताया था तो उसने दो ऑब्जेक्ट बताए थे इंडस्ट्रियल रिलेशन के, फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एंड द सेकंड वन इज पॉलिटिकल। तो इन तीनों के आपस में जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम पर ही बेस्ड है। देखिए, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट, अब इसके बारे में इसका थोड़ा ब्रॉड व्यू देख लेते हैं। एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर एसोसिएशन जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बट इन टर्म्स ऑफ ब्रॉड व्यू दीज सिक्स आर द पार्टीज टू दिस इंडस्ट्रियल रिलेशन। द फर्स्ट वन इज एम्प्लॉई, ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एसोसिएशन, गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। एम्प्लॉई के अंडर में आता है ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर के अंडर में आता है एम्प्लॉयर एसोसिएशन, गवर्नमेंट के अंदर में आता है जुडिशरी सिस्टम। तो फ्रेंड्स, ये मेरी तरफ से आज के लिए था आपके लिए। फ्रेंड्स, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। फॉर दिस ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर स्टडी मटेरियल, वी आर प्रोवाइडिंग दिस मटेरियल एट द रेट ऑफ 2499 ओनली, एंड वी विल कवर दीज फोर टॉपिक्स। द फर्स्ट टॉपिक इज इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया एंड जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखिए, अगर आप ये चारों मटेरियल एक साथ नहीं खरीदना चाहते तो एक फ्लेक्सीबल ऑप्शन ऑप्शन भी है हमारे पास। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया को आप 1499 में खरीद सकते हैं, और यही मटेरियल अगर आप जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के साथ खरीदना चाहेंगे तो उसकी कॉस्ट है 1999। फ्रेंड, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डिस्पैचिंग अवर हार्ड कॉपी फॉर ऑफ दिस मटेरियल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया है, सो गो थ्रू द सैंपल कोर्स एट द लिंक बिलो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। And to subscribe courses, register at www.crackgrade.com and purchase the study materials from this website. जब आप हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो वहां पर एक सेक्शन है courses. Courses में जब आप अंदर जाएंगे तो आपको EPFO सेक्शन मिलेगा, जहां से जाके आप ये मटेरियल को परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये इन सारे एग्जाम्स में 80-85% क्वेश्चन जो है वो हमारे कोर्सेज से पूछे जाते हैं। ये पिछले कुछ सालों में हमने सिलेक्शन दिए हैं, दीज आर अवर स्टार परफॉर्मर्स फ्रॉम लास्ट कुछ पिछले सालों में, और ये सारे के सारे कोर्सेज हम अपने यहाँ डिजाइन करते हैं। तो फ्रेंड, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज के लिए मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि वॉट आर द पार्टीज टू दिस इंडस्ट्रियल रिलेशन। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल आप इसको एक लेमेन लैंग्वेज में सोचिए कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल वे में समझने की कोशिश करेंगे, तो इसमें तीन स्टेक होल्डर्स हैं जो मैंने आपको बात की थी ना, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल की। तो इसमें तीन स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं या तीन पार्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं? द फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय, जो वहां पे काम कर रहा है, एम्प्लॉयर जो काम दे रहा है, और गवर्नमेंट जो इन दोनों को रेगुलेट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं।
देखिए, ये तो हम लोगों ने नॉर्मल देख लिया कि एम्प्लॉय गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज जो हैं इसकी पार्टीज है, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा डिटेल में जाके देखेंगे तो इसकी सारी की सारी पार्टीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, एम्प्लॉय, ट्रेड एम्प्लॉय, ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन, गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। अगर इसको स्मॉल वे में समझना है तो देखिए, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अंदर ट्रेड यूनियन आएगा, एम्प्लॉयर के अंदर एम्प्लॉय एसोसिएशन आएगी, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन आएगी, गवर्नमेंट के अंदर जुडिशरी सिस्टम आएगा। तो ये इसके सब पार्ट के हिसाब से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मेरी तरफ से ये इतना ही था। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना है मेरे पास। देखिए फ्रेंड्स, ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर एग्जाम के लिए हम लोग स्टडी मटेरियल अपने यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी कॉस्ट है 2499, जिसमें हम इन चार टॉपिक्स को कवर करेंगे: इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया एंड जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखिए फ्रेंड, अगर जो इस पूरे कोर्स को नहीं खरीदना चाहता है और वो कुछ स्पेसिफिक कोर्स खरीदना चाहता है, तो उसके लिए फ्लेक्सिबल ऑप्शंस ऑप्शंस हैं हमारे पास। उस फ्लेक्सिबल ऑप्शंस ऑप्शंस में आप इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, अगर आप केवल यही कोर्स खरीदना चाहते हैं तो इसकी कॉस्ट है 1499। अगर आप जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के साथ इस कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो इसकी कॉस्ट होगी 1999। अब फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट सूचना है, ये जो मटेरियल हमने अपने यहाँ डिजाइन किया है, इसकी हार्ड कॉपी को डिस्पैच करना हमने अपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप इस कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो आप पहले तो आप जो ये वीडियो है उसके नीचे इसका एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप इसका मटेरियल का सैंपल चेक कर सकते हैं। और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद उसमें एक सेक्शन दिया हुआ है कोर्सेज, कोर्सेज सेक्शन में आप नीचे जाएंगे तो ईपीएफओ मिलेगा, ईपीएफओ में जाके आप उस कोर्स को वहां से खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज के लिए मेरी तरफ से था। अप्रोक्सीमेटली 80-85% क्वेश्चन इन दीज एग्जाम आस्क फ्रॉम अवर कोर्सेज, एंड इन सारे रिसोर्सेज को लेकर हम अपने यहाँ के कोर्स को डिजाइन करते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने यहाँ से ये सिलेक्शन दिए हैं, ये हमारे कुछ स्टार परफॉर्मर हैं, और फ्रेंड्स ये सारे के सारे कोर्सेज हम अपने डिजाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।